वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अभी सुबह हम फॉग की बात कर रहे थे कि फॉग की जो कैफियत है वो ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बढ़ेगी भी। क्या सूरत हाल रहने वाली है फॉग की और फॉग से आपकी सेहत को क्या नुकसान हो सकता है, आपने एहतियात कैसे करनी है इस हवाले से भी बताएंगे। जनाब हमारे दोनों मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप प्रोफेसर डॉक्टर अमजद हैं हमारे साथ, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, उसके साथ बना भी हैं उस डिपार्टमेंट के। और इसके साथ साथ जनाब हमारे पास मौजूद होंगे मियां मोहम्मद अजमल शाद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात। वेलकम करने के दोनों को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अजमल साहब आपसे हम जानें कि फॉग कितना अरसा मजीद रहने वाली है, क्या इसका स्पेल है और क्या सूरत हाल है? ओके, मेन रीज़न तो विंटर में वही है ना कि टेम्परेचर में जब कमी हो जाती है, टेम्परेचर जब कम होता है तो उसकी वजह से डे ड्यूरेशन भी हमारे दिसंबर और जनवरी में काफ़ी कम होते हैं। सही, सही। और साथ साथ जो हवा में नमी का तनासब है, जब टेम्परेचर आपका मैक्सिमम भी नीचे आ जाएगा, मिनिमम भी नीचे जाएगा, दोनों के डिफरेंस से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो डे ड्यूरेशन कम होना, टेम्परेचर का नीचे आना और हवा में नमी का तनासब बढ़ जाना, ये मेजर काजेज हैं फॉग की। और इनकी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली जो प्लेन एरियाज पंजाब के खूबसूरत हैं और अपर सिंध के हैं, उन इलाकों में जो है ना ये दिसंबर और जनवरी में ये फिनामना शिद्दत से होता है और ये एक नेचुरल फिनामना बन गया हमारे इस इलाके का इन महीनों में, क्योंकि इन महीनों में बारिश बहुत कम है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो जनवरी के महीना जो है इसमें सिर्फ 22 मिलीमीटर एनुअल मंथली रेनफॉल जो एवरेज है ना वो है। तो ये भी उसमें होता है कि कुछ साल ऐसे गुजरते हैं जिसमें जरा वेट स्पेल अच्छा हो जाए तो ज़्यादा बारिश हो जाती है, कुछ मुकम्मल ड्राई जाते हैं, तो इस वजह से रेन बहुत कम होती है इन महीनों में। तो ये एक चंद रीजंस होती हैं और उसके साथ जब एरोसोल पार्टिकल्स का इसमें मिलाप हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर बात है केमिकल मिशन तो ऑलमोस्ट चल ही रही होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जब वो पार्टिकल इस वाटर वेपर के साथ मिलते हैं तो वो एक जो है ना टाइनी पार्टिकल्स लोअर लेवल पे जो है ना वो सस्टेन कर जाते हैं, परसिस्ट कर जाते हैं वो, तो ये सारे मिल के जो है ना एक फॉग का फिनोमेना बन जाता है। तो ये फिर अगर उसमें वेदर की कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर कोई बारिश का स्पेल आ जाए तो ये वॉश आउट हो जाती है, कम हो जाती है, अदरवाइज ये परसिस्टिंग फॉग में चली ठीक हो गया। ये बारिश के स्पेल के हवाले से जनाब मजीद भी बात करेंगे, हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट भी हैं और डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि चूंकि बारिश का स्पेल कहा जा रहा था कि दिसंबर के उसमें आएगा अब एंड पे, लेकिन नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, तो जिसकी वजह से खुश्क सर्दी जो है ये कब तक सस्टेन रहने वाली है? नहीं, बारिश का स्पेल आए हैं क्योंकि विंटर में जो, क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा कि ये कम बारिशें होती हैं तो स्पेल तो आए हैं 3 से 4 स्पेल, लेकिन वो हमारे लोअर लैटिट्यूड में नहीं आए, पंजाब में नहीं, उसकी बारिशें मरी गलियात और अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रही हैं और अभी भी एक स्पेल इस वक्त पास ऑन हो रहा है, तो उसमें भी कल कुछ इलाकों पर ड्रिजल हुई है और उसके अलावा जो मरी गलियात में बर्फबारी भी हुई है और अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी है, और एक स्पेल मजीद आगे 4 से दोबारा आने का इम्कान है, एक गैप है इसमें 24 से 36 घंटे का, उसके बाद अगला स्पेल जो है ना 3 की शाम से शुरू होगा, 4, 5 और 6 तक ये रहने का इम्कान है, वो जरा इससे कंपैरेटिवली बड़ा स्पेल है। उसमें भलाई पंजाब के इलाकों में भी बारिश होने का इम्कान है, उसमें लाहौर में भी चांसेस हैं कि लाइट रेन हो जाए 5 की मिड और नाइट से जो और 6 में जो है, तो लेकिन जो अब मकसद है कि दिसंबर में भी रेन तो हमारे अपर पार्ट्स में हुई है, अभी इस महीने में भी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो रेन्स का महीना है ना विंटर में वो फरवरी और मार्च होते हैं, जिस तरह मॉनसून के जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिश होते हैं, इसी तरह विंटर की बारिशें जो है ना वो फरवरी और मार्च के महीने में होती हैं। डॉक्टर साहब अभी हम फॉग की बात कर रहे थे तो फॉग में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, नाक कान गला हिफाजत कैसे करनी है और मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं जी कि जो ठंड है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन हवा के जरिए सांस के सिस्टम से होता है, जिसमें सबसे पहले नाक और उसके बाद फिर गला और उसके बाद फेफड़ों तक हवा जाती है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो हवा को और टेम्परेचर को एक्सपोज होता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है ख़ासतौर पे अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम, तो फिर ये कोल्ड इटसेल्फ जो है ना एक ट्रॉमेटिक फैक्टर बन जाता है सांस के सिस्टम के लिए, क्योंकि फितरत का असूल यह है कि एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की हो वो एक फिर मुसीबत बन जाती है, ठंड की हो गर्मी की हो, तो जब कोल्ड एयर टच करती है नाक को अंदर, तो नाक का काम ये होता है कि उसने ठंडी हवा को गर्म करके फेफड़ों में जब पहुंचाना है तो तब तक उसका टेम्परेचर 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, जबकि लाहौर का टेम्परेचर अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक या बाजू का 0 तक भी गिरा हुआ होता है। तो इसलिए अगर कोई आदमी कॉन्स्टेंटली अपने आप को ठंड में एक्सपोज खड़ा रखेगा तो नाक की भी एक कैपेसिटी है, वो एक हद से बाद जाके जवाब देना शुरू कर देता है कि अब मैं नहीं कर सकता, लिहाजा ठंडी हवा फिर अंदर जाना शुरू हो जाती,
तो सबसे पहले तो नाक में इरिटेशन पैदा होती है, जिससे आम देखा गया है कि सर्दियों में हर आदमी छू छू करता फिर रहा है, नाक में से कुछ पानी बह रहा है, नाक में से सांस मुश्किल से आ रही है, थोड़ा रुकावट रुकावट का एहसास होता है, छींकें आने लगती हैं। छींकें भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये नेचुरल। तो ये तो नाक के ऊपर इसका असर पड़ता है। और दूसरा, जब ठंडी हवा गले में से गुजरती है तो गले में खराश पैदा होनी शुरू हो जाती है, और गले की झिल्ली भी बड़ी नाजुक होती है, अगर वो कोल्ड एयर के साथ डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में वहाँ पे जरासीम पहले ही मौजूद होते हैं, वो उसको इन्वॉल्व करके वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो है ना मामलात शुरू हो जाते हैं। पर अगर किसी वजह से ठंडी हवा फेफड़ों तक भी गई है, किसी आदमी ने ख्याल नहीं किया, अपने आप को ठंड में बहुत एक्सपोज रखा है लंबे टाइम के लिए, तो फिर फेफड़े सबसे डेलिकेट चीज़ हैं, जब वो डैमेज होते हैं कोल्ड एयर के साथ तो फिर नमूनिया होता है। और नमूनिया ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में और बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों में ये नहायत डेंजरस होती है, ख़ास तौर पे विंटर के अंदर। छोटा बच्चा जो साल का है, महीने का है, अगर उसको चेस्ट इन्फेक्शन तक मामला चला गया तो उसकी लाइफ ख़तरे में पड़ जाती है। नोज़ थ्रोट वाले फिर भी लाइफ के लिए इतने डेंजरस नहीं होते, अनलेस के ये भी एक हद से आगे चले जाएँ, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में, बूढ़ों में, 70s वाले, 60s वाले, 80s वाले। इसलिए हमारे यहाँ यह आम बात है कि अगर बुज़ुर्ग सर्दियों का सीज़न निकाल गए तो इंशाल्लाह एक साल और ज़िंदा रहेंगे। तो इसलिए इस पॉपुलेशन को इस कोल्ड टेम्परेचर में बच्चों को लपेट के रखना चाहिए। अब बच्चे ने खुद तो डिमांड नहीं करना, वो हम पे डिपेंडेंट है, माँ पे डिपेंडेंट है। अब अगर माँ खुद भी फैशन फूशन करके बच्चे को भी उसी तरह से बाहर लेके जाना चाहती है एक्सपोज्ड, तो माँ तो शायद बच जाए लेकिन बच्चा उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस वास्ते इसके अंदर प्रिवेंशन, आपको पता है बेस्ट चीज़ है, हर चीज़ की बेहतर है कि आप प्रिवेंट पहले ही किया बिल्कुल। तो बच्चों को प्रॉपर ड्रेसअप किया जाए, हाँ सनलाइट अगर है उस सूरत में बच्चे टोपी शोपी भी चलो उतार दें, लेकिन अदरवाइज इस किस्म का अर्ली मॉर्निंग, रात को कहीं शादियों में लोग जाते हैं और लेट नाइट तक वहाँ पर बच्चे भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर ड्रेसअप करना। सबसे ज़्यादा सर्दी जो है ना वो सर को लगती है, चेहरे को लगती है, गर्दन को लगती है। तो अगर ये एरियाज एक्सपोज्ड होंगे तो बाकी बेशक जितना मर्जी कवर किया हो बच्चा जरूर बीमार हो जाता है। आजकल अक्सर बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, सिर्फ सर्दी की शिद्दत भी ज्यादा है, और सर्दी की शिद्दत है और लोगों की मूवमेंट ठंड में ज्यादा होती है। एक तो वो शादियों के सिलसिले में आउट स्टेशन भी जा रहे हैं लोग, और दूसरा आजकल कल्चर भी रातों को बस मूव करने का ज्यादा है, खाने खुने खाने के लिए भी निकल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को प्रॉपर ड्रेसअप कर लें तो वो बेस्ट है। लकीली इस दफ़े जो वेदर है ये हेल्दी वेदर है, ये उतना सिक वेदर नहीं है, क्योंकि जैसे अभी शाद साहब बता रहे थे कि यहाँ पे भी लाहौर में भी दिसंबर में भी बारिशें हुई हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ड्राइनेस और पोल्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ फिर पोल्यूशन भी ऐड हो जाती है ना, तो बारिश जो है वो एक नेचुरल रेमेडी है हमारी पोल्यूशन के लिए। जब बारिश होती है तो हवा में कंटेमिनेंट्स का लेवल भी ज़रा कम हो जाता है, डस्ट पार्टिकल का लेवल भी ज़रा कम हो जाता है। तो फॉग खास तौर पे जब ऐड होता है ये आइटम, और फॉग जब नाक में से गुजरती है तो ये फिर सारी नाक की डिस्टर्बेंसेस को फ्लेयर अप कर देती है, और चेस्ट को भी ये फ्लेयर अप कर देती है। खासतौर पे जो एस्थमेटिक लोग हैं, दमे वाले, उनके लिए बहुत खतरनाक, उनके लिए ये मौसम खासा डेंजरस होता है। उनका एस्थमा कंट्रोल उनका खराब हो जाता है और उन्हें बार बार एमरजेंसी के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ जाके अपनी मेडिकेशन लेनी पड़ती है। ठीक हो गया, ठीक। हमारे साथ कॉलर हैं जी, सना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सना, आपको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है। कैसी हैं आप सना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? उर्मा एक सवाल है रुखसत से मेरा जी, कि मुझे मतलब जिस तरह जैसे सर्दियाँ आती हैं तो मुझे मतलब बलगम की शिकायत बहुत है, मतलब हर वक्त मुझे फील होता है जैसे मेरे गले में से बलगम ना गिर रही है नीचे, इस तरह मुझे फील होता है। सही सही सही, ठीक हो गया। अभी आपको जवाब देते हैं, थैंक यू। ठंडी बहुत, ठंड बहुत लगती है, हाँ ठंड ज्यादा भी है। ठीक हो गया, अभी आपका जवाब लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। डॉक्टर जी, एक तो ये जो बता रहे हैं कि गले में रेशा इनके बढ़ जाता है, इसे हम आमतौर पे हमारे लोग इसको केरा कहते हैं, तो ये हमारी पॉपुलेशन में जनरली ज्यादा है, और उसकी मेन रीजन तो है पोल्यूशन जो गर्मी सर्दी में यहाँ मौजूद रहती है। लेकिन जब सर्दी आती है तो फिर सर्दी का जो ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है नाक की झिल्ली पे, तो नाक की झिल्ली रिएक्ट करती है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करके या छींकें आने से, तो इसलिए सर्दियों में इन लोगों के अंदर ये ड्रिबलिंग ऑफ सिक्रीशंस जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर तो साथ फीवर नहीं है, बुखार नहीं है और कफ और स्पूटम नहीं है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन को, टेम्परेचर को। बस लोगों के जहाँ रहते हैं
اس پریمسز میں بھی زیادہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈسٹ بھی اور پولوشن بھی. ایک تو جنرلی اگر پولوشن زیادہ ہے، جیسے اگر آدمی چالمی وغیرہ میں جائے تو بہتر یہ ہے کہ ماسک لے کے جائے. ٹھیک ہو گیا. جن علاقوں میں پولوشن کا افیکٹ زیادہ ہے ادھر ادھر ان کو ایک تو پریونشن کرنی چاہیے، اور سیکنڈلی ان لوگوں کو ایک سمپل میئر کرنی چاہیے کہ روز صبح اور شام نیم گرم پانی میں تھوڑا نمک ملا کے یہ غرارے کریں، تاکہ جو گلے کی جھلی جس پہ وہ چیزیں ڈپازٹ ہو ہو کے اس کو خراب کر رہی ہیں وہ تھوڑا واش آؤٹ ہو جائے، اور نیم گرم پانی سے اس کو ایک سودنگ افیکٹ بھی مل جاتا ہے. اس موسم میں شہد کا استعمال زیادہ کریں، وہ بھی اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اور ہمارے ہاں پنجاب میں ایک بڑی دیسی چیز ہے خشخاش. بالکل. تو خشخاش کا بھی بڑا ہی اچھا افیکٹ ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں، چاہے اس کو شکر یا چینی میں ملا کے تو اس کو سردیوں میں کسی وقت ایک چمچ منہ میں ڈالا اور اس کو چبا کے کھا لیں، بلکہ روز رات کو چبا کے کھا لیں، تو یہ جو ہے نا ٹینڈینسی ذرا کم ہو جائے گی اور کم تنگ کرے گی آپ کی ذہن میں آؤں گی. اصل ہم چونکہ فاگ کی بات کر رہے تھے، اسموگ کا اسپیل بھی رہا، کیا لگ رہا ہے کہ اسموگ کا اسپیل جو ہے یہ ابھی بھی ہے اس فاگ میں؟ اس میں اسموگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ فاگ میں شامل ہے؟ ہاں نہیں، اس میں ایک کیمیکل ایمیشن جو ہمارے یہاں فیکٹریز سے ہوتی ہے وہ تو ریگولر ایک پروسیس ہے، یہاں فیکٹریاں مکمل طور پہ تو بند نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ چلتی رہتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارا وہیکلز کا ایمیشن ہے وہ تو ریگولر پورا سال ہی چلتا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں اکتوبر اور نومبر میں سلسلہ ہوتا ہے اس میں سٹبلز کا زیادہ ہوتا ہے، جو لکڑی وغیرہ جلاتے ہیں دھان کی فصل کا جو ہوتا ہے بھوسا وغیرہ، اس وجہ سے ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. ادروائز یہ والا جو ابھی دسمبر اور جنوری میں اس کا ایلیمنٹ تو رہتا ہی ہے، لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہے جو امپیکٹ ہمیں اکتوبر یا نومبر میں ملتا ہے. کیمیکل پارٹیکلز کی ایمیشن ہمارے جو وہیکل کی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی، اور کیمیکل ایمیشنز کو آپ کیمیکلی ہی ختم کر سکتے ہیں. اس میں آپ جس طرح ٹو اسٹروک کی بجائے فور اسٹروک انجن والے آ گئے ہیں سارے وہیکل، ان کو اگر فروغ دیا جائے تو ختم ہو جائے گا. ادروائز اس کی جو ایک پرماننٹ جو ہے ہمارے اس میں ایمیشن ہے اور وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں ابزارب ہو رہی ہے وہ تو رہتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اچھا اسپیل بارش کا آ جائے، کوئی اچھی آندھی آ جائے تو وہ پھر کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، سبسائڈ ہو جاتی ہے. تو پچھلے ماہ میں دسمبر میں کوئی اتنا بڑا اسپیل رین کا میدانی علاقوں میں نہیں دیکھا گیا، اور یہ ایک ریزن ہوتی ہے کہ ایروسول پارٹیکلز فاگ کو اسٹیبل ہونے پہ پرسسٹ ہونے میں مدد دیتے ہیں. زیادہ پارٹیکلز ہوں گے اس میں اسٹیبلٹی زیادہ آتی ہے، زیادہ پیریڈ میں ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ قدرے پھر بھی کچھ بہتر رہا کہ مڈ نائٹ کے بعد رات کو 3-4 بجے سے لے کے صبح 8-9 بجے تک یہ اسپیل تقریباً 4-5 گھنٹے کا تھا جس میں زیادہ تر فوگ کو ریکارڈ کیا گیا ہے. ادروائز باقی پیریڈ میں جو ہے وہ تقریباً مور دین 1 کلومیٹر ویزیبلٹی بھی رہی ہے، اور اس کی وہ شدت نہیں رہی. تو لیکن یہ ابھی جنوری کے مہینے میں بھی ہماری جو فورکاسٹ یہی ہے کہ اس میں بھی کچھ کمی بیشی کے ساتھ جو ہے نا یہ اسی طرح چلے گا، اور اس میں چونکہ رین کے اسپیل نظر آ رہے ہیں، ابھی بھی ایک اسپیل آ گیا فرسٹ ویک آف جنوری میں بھی آ گیا، اور مڈ کے بعد بھی آنے کا امکان ہے. یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کمنگ پورے منتھ میں 3-4 اسپیل ہیں جس میں اپر پارٹس آف دا کنٹری میں بارش ہونے کا امکان ہوگا. تو اس سے یہ فوگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، فوگ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہوگا. وہ یہ ہوتا ہے نا کہ موئسچر کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، تو اس میں کچھ علاقے جو زیادہ فوگ کی زد میں آ جاتے ہیں کچھ میں کمی ہو جاتی ہے. جہاں بارش ہوئی اس کے بالکل ساتھ والے علاقے، اگر اپر پنجاب میں بارش ہوتی ہے تو سینٹرل پنجاب زیادہ فوگ کی زد میں آ جائے گا، لوور پنجاب میں نہیں ہوگی، کم ہوگی. یعنی کہ تو اس دفعہ بھی جو ہمارے بہاولپور ملتان اور جھانگ سے لے کے فیصل آباد اور ملتان سے لے کے لاہور جی ٹی روڈ یہ سارا، اس کے علاوہ لاہور سے کھاریاں تک اور جہلم کا اور پورا موٹر وے کلر کارتا، یہ علاقے اپر کے اور سینٹرل کے یہ تقریباً زیادہ افیکٹ ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس مہینے میں بھی چانسز اسی کے ہی ہیں. اور یہ سلسلہ فرسٹ ویک آف فیبرری تک ہاں 5-10 تک جاری رہنے کا وقفے سے پلس مائنس. اچھا، سردیوں کا اسپیل میں کل بھی ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب آگے ہوتا چلا جا رہا ہے، تھوڑا سا پہلے انیشلی سردی زیادہ ہوتی تھی، اب جنوری تک یا فیبرری کے فرسٹ ویک سیکنڈ ویک تک یہ کنٹینیو رہتی ہے. یہ ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ تھوڑی جو ہے نا سیزنل ویریشن اس کو کہتے ہیں اس کو، اور ساتھ ساتھ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا سردی کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ تقریباً کم ہو گیا ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہینہ 15-20-30 دن کا جو ہے نا ٹوٹل پیریڈ آف ونٹر سیزن جو ہے وہ کم ہو گیا. یعنی کچھ ہم 15-20 دن اگر شروع میں لیٹ سردی آ رہی ہے اسی طرح جلدی چلی جاتی ہے، تو یہ ڈیوریشن تھوڑا سا کم ہوا ہے. لیکن شدت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں ویریشن سیزن ٹو سیزن رہتی ہے. یہ لازمی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اب مکمل سردی نہیں ہوتی، اب بھی ہوتی ہے، ابھی بھی ہمارے ناردرن پارٹس میں دیکھیں
तो उसमें -10 -12 तक भी जा चुका है टेम्परेचर, और इस महीने में कलाम स्कर्दू वगैरह का 15 को भी टच करने का इम्कान है। इवन पंजाब में भी जैसे लाहौर का टेम्परेचर भी उसी यूजुअल रेंज पे जीरो पे, चंद दिन पहले जीरो पे चला गया था, और नॉर्मली 2-3 आजकल 2-3-4 में वेरी कर रहा है, तो ये नियर टू फ्रीजिंग लेवल है। ये जो इसमें भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ जो एक टेम्परेचर जो रिपोर्ट महकमा मौसमियात की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है, वो सरफेस से जमीन से जो है ना 1.5 मीटर यानी 4.5 फीट हाइट पे कर लिया जाता है, ये ग्राउंड टेम्परेचर नहीं होता, इसको एयर का टेम्परेचर होता है, और जमीन से तकरीबन 1.5 मीटर कह लेंगे 4.5 फीट के करीब और 5 के दरमियान जो टेम्परेचर वो उस लेवल पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो जमीन का उससे जमीन का उससे कम होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 3 डिग्री रिपोर्ट हुआ है तो उस दिन जो ग्रॉस का है नीचे जमीन पे सरफेस पे वो 0-1 इसके अंदर वेरी करेगा, और वहां इसीलिए आजकल फ्रॉस्ट का सिलसिला चल रहा है, कोहरा जो है ये अभी काफी ज्यादा हो गया, तो अगर 3 पे तो कोहरा नहीं मतलब होगा, तो फ्रॉस्ट का सिलसिला 0-1 +1 इसमें दरमियान वेरी करता है, तो इस दफा काफी यानी प्लेन एरियाज में खुसूसन सब्जियों को इसका काफी नुकसान हुआ, फलों के भी ऊपर इसका असर होता है, और साथ साथ जो अभी गंदम की जो अभी नई मतलब फसल आ रही है तो उसको भी पानी का भी एक शिद्दत है कि पानी हमें नहीं मिल रहा है इस वक्त, काफी कमी है, तो अगर पानी इसमें अच्छी फसल को मिल जाए तो फिर उस पर असर नहीं करती सर्दी ज्यादा हो, तो पानी की कमी की वजह से मतलब दूसरे लफ्जों में फ्रॉस्ट की वजह से हमारी तमाम फसलों पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें बुरा असर ये पानी की सप्लाई कम होने की खासतौर पर जनूबी पंजाब में बिल्कुल उधर। अच्छा एक कॉलर ले लेती हूँ, हमारे साथ आयशा है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा सवाल प्रोफेसर अमजद से है कि सर्दी में मेरी नोज की जो एक साइड है वो बंद रहती है, तो इसका मुझे बता दें कहेंगे। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि सर्दियों में हर आदमी की नोज थोड़ी स्टफी हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि जब कोल्ड एयर अंदर जाती है तो नाक के जो नेचुरल ग्लैंड्स हैं वो उसके रिएक्शन में स्वेल अप हो जाते हैं, तो हर आदमी थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन महसूस करता है, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आदमी को नाक से सांस ही ना आए और उसको मुंह से सांस लेना पड़ जाए। अगर आपकी कैफियत ये हो जाती है कि आपको मुंह से सांस लेना पड़ रहा है तो फिर इसका मतलब कोई थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल डिफेक्ट आपके नोज में है, वो आपको फिर जरा चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसको रिलीव कर देंगे तो फिर सर्दियों में थोड़ी डिफिकल्टी तो आपको भी होगी, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल नाक से सांस ही ना आए सर्दियों में। ठीक हो गया। चलिए आप डॉक्टर साहब और हमारे पास सिमरन साहब तो मौजूद हैं, वकास हम आपसे क्या मजीद सुन सकते हैं। बेसिकली जहाँ भी मैं किसी भी कॉन्सर्ट पे मैं परफॉर्म के लिए जाता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ अपनी सोशल वेबसाइट्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लवर्स की जो रिक्वेस्ट होती है तो पंजाबी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट थी, मैंने उसका मैशअप बना के एक ज़रूर अड़िया तो पाइया चांजरा लोंग मरेल शिकार, अड़िया तो पाइया चांजरा लोंग मरेल शिकार, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे। कंगने तेरे ने हुण जादू जे पा लिया, सोनिए वकास नू ता पिछे निला लिया, कंगने तेरे ने हुण जादू जेहा पा लिया, सोनिए वकास नू ता पिछे निला लिया, तेरी याद च बैठा कंगना कलिया वक्त गुजारे, तेरी याद च बैठा कंगना कलिया वक्त गुजारे, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, कंगना तेरा नी सानू करे इशारे, एना खियां छुपाया ना करे सुरमा, मलका दे नाल छड़े तुरना, तेरियां अदावा मुंड टंगे, तेरियां अदावा मुंड टंगे, हाइन सुन सोनिए, हाइन सुन मोनिए, हाइन सुन सोनिए, एना खियां छुपाया ना करे सुरमा, हाय दर पावे साड़ी जान कट जावे तेरा लाल गगरा, दिल उत्ते छुरियां चलावे बलोरी तेरा, बलोरी तेरा लाल गगरा, बलोरी तेरा लाल गगरा। वाह जबरदस्त विकास, तो आइंदा आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कमर्शियल का जिसमें मैं एज अ मॉडल और एज एन एक्टर मैं एंट्री करूं इंडस्ट्री में, तो मेरे लवर्स के लिए एक सरप्राइज होगा। लवली। अच्छा आप दोनों से हम एक एक मैसेज लेंगे डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से फॉग में अपना ख्याल कैसे रखना है, क्या आपकी प्रिवेंशन होनी चाहिए, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, उस हवाले से मैसेज आप देंगे। एक तो जनरल इसकी जो प्रिवेंशन है प्रिकॉशन है उस हवाले से जैसे मैंने कहा कि
عقل مند وہی ہے آدمی جو اپنے موسم اور اس وقت کے مطابق اپنے آپ کو موڈیفائی کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ جون اور جولائی والے کلچر کے ساتھ دسمبر اور جنوری میں انٹر ہو جائیں تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا. تو آدمی کو پراپر ڈریس اپ ہونا چاہیے, یہ مان لینا چاہیے کہ یہ سردی کا موسم ہے اور اس کے اندر ہر آدمی کو اس کی احتیاطی تدابیر لباس کے حوالے سے پوری اختیار کرنی چاہیے. صبح کے ٹائم اگر نکلنا ہے تو جرابیں بھی پہنی ہوں, سر پہ کیپ بھی ہو اور مفلر وغیرہ بھی گردن کے اوپر لپیٹا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ غیر ضروری دھند کے اندر موومنٹس اوائڈ کرنی چاہیے. ایک تو دوسرا اسپیکٹ ہے نا ایکسیڈنٹس اور اس کا, لیکن ادروائز بھی ہیلتھ کے نقطہ نظر سے بھی اگر آپ فاگ والے ٹائم کے اوپر زیادہ موو کرتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں. کیونکہ نمونیا کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے سردی سے ہی ہوتا ہے کہ اتنی سردی لگی کہ یہ نمونیا ہی ہو گیا. تو اس لیے اس کا خیال کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس ویدر میں اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے وہ اس قسم کا موسم میں زیادہ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ٹھنڈی ہوا کو گرم کرنے کے لیے بلڈ کو انرجی چاہیے اور وہ وہاں برن ہوتی ہے, جس سے بلڈ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا کو گرم کر پاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ڈرائی فروٹ وغیرہ کا کانسیپٹ ہے, بادام کھائے جائیں, چلو وجہ تو خیر اب کوئی بھی نہیں کھا سکتا وہ تو دکانوں نے اٹھائی دی ہیں, چلو مونگ پھلی ہی کھا لے تو بادام یوز کر لے یا اخروٹ وغیرہ, ان چیزوں کا استعمال. اور تیسرا ہے نیم گرم ڈرنکس کا استعمال, ٹھیک ہے, ٹھنڈے پانی سے یا اس طرح, ہاں, کولڈ کو اوائڈ کیا جائے. مطلب ایسے ہی اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے رات کے 10 بجے سڑک پہ کھڑے ہو کے آئس کریمیں نہیں کھانی چاہیے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ صبح آپ کی آواز نکلنے بند ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈرا رہے ہو باقاعدہ طور پہ کہ آئس کریم نہیں کھا رہے, تھوڑا اوائڈ کر لے, اوائڈ کر لے. یہ بھی نہیں پتا کہ آئس کریم میں اب ہوتا کیا ہے, وہ بھی وہ یہ بھی ایک سوال, بالکل ایک سوال ہے. تھینک یو ویری مچ آپ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا. جناب جیسے آج ہم نے آپ کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی کہ فاگ تو رہے گی اور آئندہ اضافہ ہونے کے امکانات بھی ہیں, لیکن آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, جس طرح سے حفاظتی تدابیر آپ کو بتائی گئی ہیں اختیار کی جائیں. ہم آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. فیڈ بیک کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لاہور کے نام سے, اور آج کا شو اگر ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 بجے اور 1 بجے ریپیٹ بھی ہوگا, اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے جاگو لاہور کا, وہاں پر بھی ہماری تمام ایپیسوڈ اویلیبل ہوتی ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.